मैं काम जो कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, उसका नाम है रेडिंगटन। पहली बार सर, बाकी हमने ऑनेस्टली बहुत काम किया इस कंपनी पे, और मैं आपको ग्लोबल कंपैरिजन भी दूंगा इस कंपनी का। सर बड़ा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर सबसे पहले यह है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी लॉजिस्टिक्स कंपनी है इंडिया में, और सिर्फ 8 टाइम पे ट्रेड करती है। सर जितना भी उसका मार्केट कैप है कुछ 11,500 करोड़, उसमें से 4,000 करोड़ तो कैश पड़ा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कोई डेट नहीं है। और सर एक पैरामीटर होता है जो बहुत जरूरी है, FCF, फ्री कैश फ्लो यील्ड, इसकी 13% है। ये बहुत रेयर है सर कि आपको बहुत कम मिलेगा कंपनीज में आपको 13-13% की FCF यील्ड होना। बेसिकली सर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ट्रेडिंग कम लॉजिस्टिक्स कंपनी है, बहुत ही कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है ग्लोबली ये। अगर आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देखें, बिकॉज इस कंपनी को समझने के लिए आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा सर। सारी दुनिया में ना सिर्फ 6 कंपनीज है इस तरीके से, 6 कंपनीज, यू नो सब नाम, सेनेक्स हुआ, इनग्राम हुआ, एरोटेक हुआ, एवनेट हुआ, ये सब कंपनीज है। और ये सारी की सारी कंपनी सर ग्लोबली 166 बिलियन डॉलर्स का जो यू नो लॉजिस्टिक्स होता है, आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आईटी प्रोडक्ट्स का वो करती है। बेसिकली सर आपको एप्पल, सैमसंग, एचपी ले लो, वो डेल कुछ भी लेना है तो आपको इन कंपनीज के थ्रू आपके पास आता है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो इन कंपनीज के थ्रू आएगा। आप सोच सकते हो सर, इट्स अ वेरी हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा नहीं कोई भी आके इसको धंधे को कर सकता है। सो ग्लोबली अगर 6 कंपनीज है, और इंडिया में जैसे मैंने बोला दो ही सबसे बड़ी कंपनीज है, इनग्राम और यू नो रेडिंगटन। इंडिया में सर आज के टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 500 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल यू नो फ्रॉम द करंट लेवल्स। आप देख रहे हो किस तरीके से ये यू नो ये सब प्रोडक्ट्स हम बार बार यूज कर रहे हैं। हम अगर पीपीपी मॉडल की बात करें, प्रमोटर की बात करें, तो सिलेक्स टेक्नोलॉजीज है सर, लिस्टेड कंपनी है इंटरनेशनली, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और ये 24% इस कंपनी में होल्ड करती है, मेरे ख्याल में 2004 से होल्ड करती है, तो बहुत पुराना यू नो शेयर होल्डर है इस कंपनी का। राजशंकर इनके एमडी है 2014 से। आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम होगा नहीं होगा सर, जो इनके ज्वाइंट एमडी है राजीव श्रीवास्तव, ही इज द एक्स एमडी एंड सीईओ ऑफ आईईएक्स सर। वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एशिया पैसिफिक और जापान एचपी के रह चुके हैं, वो बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर है, और ऑल्सो वो एचपी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बोर्ड में भी रहे हैं। तो इनका जो भी आप बोर्ड देखेंगे, लोग देखेंगे, बहुत ही तकड़े हैं। प्रोडक्ट की बात मैंने जैसे की सर, ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, एप्पल, एचपी, डेल, लिनोवो, सैमसंग, किसी की बात भी कीजिए, कलेक्टिवली मेरे ख्याल में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इन सब चीजों का होता है। एप्पल का सबसे ज्यादा है, अराउंड 35-40% उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंडिया के मार्जिन ज्यादा है, तो इंडिया का आप देखेंगे कि इंडिया का रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। आई थिंक इस बार कुछ 45-46% होगा। कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, आप लास्ट के 10 साल 15 साल का चार्ट देख लीजिए, आपको दिखेगा ग्रो कर रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, कोई ऐसा नहीं कोई भी एंटर कर सके सर। यू नो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अगर हम प्राइस की बात करें सर, हमारे लिए बहुत जरूरी क्या होता है कि आपको एक बड़ा कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन में मिलना बहुत जरूरी है, और जो यूनिक हो। अब प्राइस की बात कीजिए सर, 11,500 का मार्केट कैप है, 4,000 करोड़ उसके पास कैश पड़ा है ऑलरेडी। हमारे हिसाब से ये कम से कम 1,300 करोड़ रुपया प्रॉफिट करेगा FY23 में। आज के टाइम पे आपको 7 या 8 टाइम पे कंपनी मिलता है। इसका सर आरओसीई 29% है। ये सब बातें एक तरफ रही, आई थिंक इस कंपनी को समझने के लिए जैसे मैंने बोला आपको ग्लोबल कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। सो हमने क्या किया सर, सब जो ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, सिलेक्स हुआ, टेक डेटा हुआ, रेडिंगटन हुआ, इनग्राम हुआ, एरोटेक हुआ, एवरेट हुआ, उनका कंपैरिजन दिया आपको। जो इसका पेरेंट कंपनी है सिलेक्स सर, वो खुद 21 टाइम पे ट्रेड करता है, और ये कंपनी 8 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आपको मालूम चल सकता है कि कितना सस्ता है कंपेयर टू इवन द पेरेंट कंपनी। टेक डेटा 21 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो एवरेज प्राइस अर्निंग फॉर ऑल दीज कंपनीज इज अराउंड 15 टाइम्स, 14-15 टाइम पे, और उससे भी ये आधे टाइम पे ट्रेड करता है। आप ईवी ओबिटा ले लीजिए, ईवी ओबिटा के पैरामीटर पे भी ये 5.5 टाइम पे ट्रेड करता है, और दूसरी कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 टाइम्स ट्रेड करती है। एज आई सेड, द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर इन सम ऑफ दीज कंपनीज इज टू सी द एफसीएफ टू ईवी यील्ड। एफसीएफ टू ईवी यील्ड में सर ये दुनिया भर में जो भी 5-6 कंपनीज है उससे सबसे ज्यादा इसका यील्ड है, 12.5% पे। किसी भी कंपनी का मैंने 5% से ज्यादा यील्ड नहीं देखा। तो आप किसी भी कंपैरिजन से कंपेयर करोगे प्राइस अर्निंग, ईवी एबिटा, एफसीएफ कैश यील्ड, एफसीएफ टू ईवी यील्ड, आपको देखिएगा कि कितना अट्रैक्टिव है इवन ऑन द ग्लोबल कंपैरिजन। सो एज आई सेड, वी आर बायस, वी आर शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी, वी एडवाइस टू क्लाइंट्स आल्सो। बट अगर आपको कुछ स्केल पे चाहिए और कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए जो बहुत ही जल्दी रेप्लीकेट कोई भी ना कर सके, और 7-8 की पी पे चाहिए, आई थिंक दिस इज वन कंपनी यू नो व्हिच यू शुड स्टडी।